हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट वन इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट। इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं कम सी एच ओ के पेपर में या जो भी आप एग्ज़ाम दोगे गवर्नमेंट, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोन्यूट्रिएंट इन्वॉल्व। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑफ दीज। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तीनों। और अब दीज आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिसोर्स क्या होता है? ऑप्शन ए अमला, बी एप्पल, सी गवावा, डी ऑरेंज। तो जो होता है रिसोर्स जो होता है आमला होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, अदर नेम ऑफ विटामिन सी, अदर नेम विटामिन सी का क्या होता है? ऑप्शन ए फॉलिक एसिड, बी अस्कॉर्बिक एसिड, सी पेंटाथेनिक एसिड, डी न्यूको थिनिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। जो विटामिन सी का नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, रेटिनॉल इज अ नोन एज अ, रेटिनॉल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन ए विटामिन ई। तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसोर्स ऑफ विटामिन डी। रिसोर्स विटामिन डी का क्या है? ऑप्शन ए सनलाइट, बी मूनलाइट, फिश, डी ऑप्शन मिल्क। तो सनलाइट जो होता है हमें विटामिन डी मिलता है उससे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, फर्स्ट स्कॉर्बी, बी ऑस्टोमलेसिया, सी पेलेग्रा, डी टिटानी। तो विटामिन डी की कमी से जो हमें होता है बीमारी वो ऑस्टोमलेसिया होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विटामिन के इज इसेंशियल फॉर ब्लड वेलोसिटी, ब्लड थिनिंग, ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड थिकनिंग। तो जो विटामिन के होता है वो मेनली होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर एट, राइबोफ्लोविन इज नोन एज आल्सो। तो बी ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन बी वन, ऑप्शन सी विटामिन बी सिक्स, ऑप्शन डी विटामिन बी ट्वेल्व। तो राइबोफ्लोविन का जो अदर नेम होता है उसको बोलते हैं विटामिन बी टू, राइबोफ्लोविन को। क्वेश्चन नंबर नाइन, विटामिन ए डिफिशियंसी कॉज, ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, बी जीरोथैल्मिया, सी वाइट आउट स्पॉट, डी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दिस। विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैल्मिया, बाइट आउट स्पॉट होने के चांसेस होते हैं और हो भी जाता है। क्वेश्चन नंबर टेन, विटामिन बी सिक्स इज आल्सो नोन एज अ विटामिन राइबोफ्लोविन, थियामिन एंड पैराडॉक्सिन एंड नियासिन। तो राइबोफ्लोविन जो होता है विटामिन बी टू होता है, थियामिन विटामिन बी थ्री होता है एंड विटामिन जो B6 होता है उसको पैराडॉक्सिन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वेश्चन नंबर 11, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज, जो आयोडीन होता है उसकी डिफिशियंसी किससे क्या क्या होता है? गोइटर, हाइपोथायरॉइडिज्म, किडनी डिसीज एंड हाइपोथायरॉइडिज्म। तो उसकी वजह से गोइटर डिसीज होता है। क्वेश्चन नंबर 12, डिसीज लाइक रिकेट्स, स्कर्वी एंड बेरी बेरी अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और विटामिन। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन, क्योंकि सारे जो बीमारी या नाम दिए गए हैं वो विटामिन की वजह से होता है। जैसे रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है विटामिन सी की वजह से, बेरी बेरी होता है विटामिन बी वन की वजह से, रिकेट्स जो होता है वो विटामिन बी की वजह से, सॉरी विटामिन डी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोसेस्ड फूड जनरली लैक ऑफ फाइबर, मिनरल्स, स्टार्च एंड विटामिन। जो प्रोसेस फूड होता है उनमें जनरली क्या होता है? विटामिन्स की कमी होती है, उसमें विटामिन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें नेचुरल फूड खाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सॉल्युबल विटामिन, कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो जो होता है विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं फैट सॉल्युबल नहीं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 15, विच विटामिन्स डिफिशियंसी काज बेरी बेरी। तो विटामिन बी वन की वजह से बेरी बेरी होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी टू एंड विटामिन बी वन। तो जो होता है विटामिन बी टू होता है राइबोफ्लोविन, उसकी वजह से उसका नाम होता है विटामिन बी वन की वजह से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन बी ट्वेल्व की वजह से पर्निशियस एनीमिया, उसका नाम होता है मिथाइल कोमालामिन।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द नेम ऑफ डिसीज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की डिफिशियंसी से क्या होता है? ए पैलेग्रा, बी रिकेट्स, सी स्कॉर्बी, डी परनीसियस एनीमिया। तो नियासिन की वजह से पैलेग्रा हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए का कौन सा कंपोनेंट होता है? रेटिनॉल, पेंटोथेनिक एसिड, पैराडॉक्सिन, रेटिनोइक एसिड। तो इसका हो जाता है रेटिनॉल आंसर। मेगाब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज बाय ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कोबालामिन, पैराडॉक्सिन, नियासिन एंड फॉलिक एसिड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोबालामिन। मेगाब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो कोबालामिन की होता है, और जो विटामिन B12 होता है उसकी वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन नोन एज अ कोबालामिन। तो B11, B12, B2, B6। तो इसका हो जाएगा B12। क्वेश्चन नंबर 20, नेम ऑफ द विटामिन व्हिच कैन टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन पार्ट लेता है? तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी। तो इसका हो जाएगा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन टमाटो, पपाया, गुआवा आदि। तो इसका हो जाएगा टमाटो में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम, सोडियम आयन, आयोडीन, कैल्शियम। तो इसका हो जाएगा आंसर आयोडीन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल आर विटामिन डिफिशियंसी डिसीज एक्सेप्ट मरसमस, रिकेट्स, स्कॉर्बी, चिलियोसिस। जो होता है मरसमस जो होता है प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, उसका आंसर हो जाएगा मरसमस। क्वेश्चन नंबर 24, कैल्शियम डिपॉजिट इन सॉफ्ट टिश्यू ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, एक्सेस ऑफ विटामिन डी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, एक्सेस ऑफ विटामिन सी। तो कैल्शियम का जब डिपॉजिशन जो सॉफ्ट टिश्यू में होगा जब विटामिन डी ज़्यादा, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 25, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम में लीड टू कंडीशन। डिफिशियंसी जो होता है उसे कैल्शियम की, उसकी वजह से क्या कंडीशन हो जाता है? गोइटर, अनीमिया, टिटैनी, स्कर्वी। तो इसकी वजह से टिटैनी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, अनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स। तो उसकी वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मरसमस एंड कोक्सीकर आर बोथ डिसीज अकरिंग इन फैंस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, वाटर, विटामिन, प्रोटीन। तो प्रोटीन की वजह से मल न्यूट्रिशन हो जाना इज कॉल्ड मरसमस एंड कोक्सीकर। विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 1970 में जो था विटामिन ए प्रोफाइलिक्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज विटामिन ए एट गिवन एट फर्स्ट मंथ, सेकेंड, थर्ड मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ। जो 12 मंथ पे होता है आंसर हो जाएगा 9 मंथ। 9 मंथ पे क्या होता है? हम विटामिन ए के डोज देते हैं और मिजल वैक्सीन के साथ देते हैं, और जो इसका डोज होता है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 30, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 1963, 1973, 1953, 1983। तो जो आयोडीन डिफिशियंसी डिसीज डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम आया था वो 1963 में आया था। क्वेश्चन नंबर 31, मिड डे मील प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन ईयर ऑफ 1942, 1952, 1962, 1972। इसका आंसर हो जाएगा 1962 में मिड डे मील प्रोग्राम आया था। एंड रोल ऑफ नर्स इन मिड डे मील प्रोग्राम इज असेसमेंट ऑफ हेल्थ, प्लानिंग, एवेल्युएशन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। थैंक यू।